हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त आपका गोरखा स्टोरीराइटर। आज मैं फिर से हाजिर हूं और एक नए ब्लॉग के साथ। आइए ब्लॉग शुरू करते हैं, आप लोग बने रहे मेरे साथ। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग इस प्रकार रहेगा। आज हम लोग यहां से निकलेंगे आपका जेमेरी नाग मंदिर। उसका डिस्टेंस है आपका 114 किलोमीटर, गूगल में दिखा रहा है 2 घंटा 43 मिनट, 2 आवर्स 43 मिनट दिखा रहा है। वहाँ से हम लोग जाएंगे आपका छिलीपम मोनेस्ट्री, जंगडोक पार्ली मोनेस्ट्री छिलीपम में है। वहाँ जाएंगे, वहाँ का किलोमीटर है 48 मिनट दिखा रहा है, 23 किलोमीटर है वहाँ का, 23 किलोमीटर दिखा रहा है, 48 मिनट लग रहा है, लेकिन हम लोग को ज़्यादा लगेगा, हम लोग घूमते हुए जाएंगे। उसके बाद छिलीपम से बोमडिला मोनेस्ट्री विजिट करेंगे। बोमडिला मोनेस्ट्री आपका 1 घंटा 9 मिनट गूगल में दिखा रहा है, 32 किलोमीटर। तो वहाँ पर मोनेस्ट्री विजिट करने के बाद में आज हम लोग का होल्ट होगा बोमडिला में। आप लोग बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। आइए, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं तोंग के लिए। तो ये सीरीज़ का नाम रहेगा तोंग सीरीज। मैं ब्लॉग को एपिसोड बाय एपिसोड डालता जाऊँगा, आप लोग साथ दीजिए, फॉलो कीजिए मेरे को। आइए मिलते हैं रास्ते पर। दोस्तों अभी हम लोग निकल गए रूम से, टॉन्ग सीरीज शुरू हो गया। अभी ये दोस्तों सेपा मार्केट है, आप लोगों को पहले बहुत बार देखा चुका हूँ मैं। सेप्पा का रोड भी खराब हो गया। दोस्तों अभी ये मीना पार आ गया हम लोग, ये नाग मंदिर आ गया मीना पार का। निशम सोनम ब्रिज पार हो गया दोस्तों हम लोग। अब जाके पेट्रोल पंप में थोड़ा पेट्रोल डालेंगे, उसके बाद चलता बनेंगे। फुल होला तपाईँ कति जान्छ? 6-7 लिटर कति जान्छ होला? कति भयो? 560।
सब्सक्राइब करेगा चाहिए सब्सक्राइब करेगा चाहिए टीम ले हाँ गोरखा स्टे राइटर गोरखा स्टे राइटर कौन ही नेगा वीडियो आल्सो है ना दोस्तों तेल उल डाल लिया अभी कोई टेंशन नहीं है बमडिला तक आराम से हम लोग पहुंचेंगे फिर बमडिला नहीं तो दिरांग में फिर फुल करेंगे टंकी को चलता बनेंगे क्या है दोस्तों जिंदगी में और तो कुछ आई नहीं कुछ तो लेके जाएंगे ना इंसान आप जितना भी रुपया धन संपत्ति कमाओ यहाँ में छोड़ के जाना पड़ेगा कम से कम थोड़ा अपना मतलब इंसान का मतलब दिल में जो आता है ना जो शौक है उसको पूरा करने से भी बहुत सेटिस्फाई है लाइफ और तो क्या है आदमी का जीवन कोई बोल नहीं पाता है कोई भरोसा नहीं है अपना शौक को पूरा करना चाहिए लाइफ में आदमी नहीं खा के नहीं लगा के रुपया पैसा जमा करेगा क्या भरोसा आदमी का वो पैसा ना यूज़ कर पाएगा ना क्या कर पाएगा कुछ हो जाने से तो वो लेके भी जा नहीं पाएगा तो संसार का तो यही छोड़ के जाना पड़ेगा सबका तो वही है इसलिए अपना शौक पूरा कर लेना है दोस्तों आज करेगा कल करेगा नहीं कल करने कल करने वाला चीज़ आज ही कर लेना है दोस्त दोस्त अभी बेसंग आने वाला है बेसंग आएगा अभी आप लोगों को मैं 20-20 का पॉइंट दिखाते हुए जाऊंगा आप लोग बने रहे मेरे साथ ये बेसंग है दोस्तों अभी आगे पंपली आएगा दोस्तों अभी बाना पहुंचने वाला है बाना ब्रिज आ गया ये आगे आ गया दोस्तों बाना ब्रिज दोस्तों ये बाना ब्रिज है अभी बाना ब्रिज हम लोग क्रॉस करने वाला है ये आपको दिखाई दे रहा है ये बाना है ये दिखाई देने वाला ये बाना है दोस्तों ये बाना 3 किलो है बाना 3 किलो क्रॉस करने जा रहा है हम लोग दोस्तों ये बाना का पुलिस चेक पोस्ट है यहाँ पर गाड़ी चेक होता है कालो किस मारे ली माई बांधे कोरी बाना तिमलाई हृदय रैली माई बिताउला जीवन कालो किस मारेली माई बाधे कोरी बना तिमलाई हृदय रैली माई बिताउला जीवन असनै को रातो सारी चारा अंग्रे गाड़ी
सने को रातो सारी चरण गाड़ी किनी दिउला सुनको चुरा बरुरी नै काली आहाई बरुरी नै काली। दोस्तों ये बहाना 6 किलो है, इसे न्यू सपुंग कहते हैं। ये न्यू सपुंग है, देखिए दोस्तों बादल कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, बादल का लुप उठाइए दोस्तों। पहाड़ों का लुप्त उठाइए दोस्तों। अरुणाचल को वैसे तो ग्रीन लैंड भी कहा जाता है, आपको यहाँ पर कहीं पर भी हरियाली हरियाली दिखाई देगा दोस्तों। जो अरुणाचल नहीं आया घूमने के लिए आइए एक बार विजिट कीजिए, यहाँ का लोग बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्ट करता है यहाँ का लोग। अरुणाचल को एक्सप्लोर कीजिए दोस्तों। व्यू देखिए दोस्तों, व्यू यहाँ का नजारा, यहाँ पर ईस्ट कमेंग और वेस्ट कमेंग का बाउंड्री है दोस्तों। अभी हम लोग ईस्ट कमेंग में है, अभी एक छोटा सा ब्रिज पार होने के बाद वेस्ट कमेंग में चला जाएंगे। ये टर्निंग देखिए दोस्तों, यू टर्निंग पूरा। ये जो आगे ब्रिज दिखाई दे रहा है छोटा सा, ये पार होने के बाद हम लोग वेस्ट कमिंग इंटर हो जाएगा दोस्तों। ये पहुंच गया रे बाबा वेस्ट कमिंग। पूरा बादल बादल बादल, यहाँ पर दोस्तों जेसीबी काम कर रहा था। दोस्तों ये पाली जी है, उस दिन मैं पाली जी आया था दोस्तों घूमने के लिए, वो तो अगला ब्लॉक में था, मेरा आगे वाला ब्लॉक में है। तो उसमें क्या हो गया, काली हो गया दोस्तों। तो मेरा दोस्त घर में रुका था, तो दोस्त ने बोला क्या आज यहीं, मतलब दोस्त घर में गया था तो दोस्त ने बोला आज यहीं रुक जाओ, तो रुक गया। तो 12 बजे खाना वाना वहीं खाया, खाना खाने के बाद में मैंने कहा दोस्त को शाम को तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो दोस्त ने कहा मैं होगा रोटी बना देता हूँ, तो रोटी बनाया। तो रोटी बनाने के बाद, रोटी खाने के बाद में मेरे को बीमार हो गया, मैं तो 2 दिन यही पड़ा रहा पाली जी में। बीमार कैसे हो गया, मतलब दोस्त ने रोटी तो बनाया ठीक ही है आटा का, लेकिन उसमें क्या किया पानी नहीं डाला, पूरा रिफाइंड ऑयल दे के मूसा है, मेरा तो रोटी खा के हालत खराब हो गया। 2 दिन बीमार हो गए, मैं यहीं पर पड़ा रहा। तो मेरा दोस्त ने तो अच्छे के लिए खिलाया मेरे को, अच्छा खिलाऊंगा दोस्त आया बोल के खिलाया, लेकिन हो गया उल्टा।
बाद में मेरा तो भी घबराने लगा, अरे भाई ये क्या हो गया। और यह ना मेडिकल है ना कुछ दवाई ववाई मिलता है, ऐसे जगह है पाली जी, तो भी घबरा गया। तो मैं सोचा अभी मेरा पुष्पा को कैसे ले जाऊँ, मैं तो बीमार हो गया। तो कोई चलाने वाला होने से भी ठीक था सोच रहा था, बाद में फिर दो दिन यही रेस्ट करने के बाद में फिर आस्ते आस्ते लेके मैं चला गया पुष्पा को, मेरा बाइक को। तो ऐसे हुआ था दोस्त, कभी कभी अच्छा करने खोजने से भी मतलब खराब हो जाता है। मतलब दोस्तों ये रामदा है, अभी हमने रामदा पहुंच गया। रामदा पार हो गया दोस्तों, अभी हम लोग दोस्तों अभी खुप्पी पहुंचने वाला है। ये लैंडस्लाइड एरिया है दोस्तों, बरसात में यहाँ पर लैंडस्लाइड ज्यादा होता है। ये आ गया दोस्तों खुप्पी, इसे खुप्पी कहते हैं। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ में थोड़ा ब्रेक लिया, पानी उनी पिया, अभी चलते हैं फिर आगे। आप लोग बने रहे मेरे साथ दोस्तों, जाइएगा नहीं सपोर्ट कीजिए, मैं टॉन्ग सीरीज बना रहा हूँ, देखते हैं कैसे रिजल्ट निकलता है, लास्ट में कैसे होता है। दोस्तों मैंने अभी गोप्रो को हैंडल में फिट कर दिया है, क्योंकि मेरा भी आप चेहरा को देखने के लिए नहीं तो मैंने सोचा आप लोग मज़ा नहीं आ रहा होगा बोल के, इसलिए मेरा भी चेहरा आना चाहिए बीच बीच में। देखते हैं कैसे निकलता है वीडियो। अभी यहाँ से मूव करते हैं दोस्तों, पानी उनी पिया, रेस उस किया, अभी यहाँ से मूव करते हैं। गोप्रो सोप्रो फिट कर लिया हैंडल में, अभी चलते हैं दोस्तों, बने रहे मेरे साथ। चलिए दोस्तों आप लोगों को मैं नजीपुर टनल भी दिखाऊंगा, आप लोग बने रहे मेरे साथ। दोस्तों गोप्रो का यही एक फायदा है, आप कहीं भी लगा लो शूट करने के लिए, कहीं भी एक्सेस हो जाता है। मैंने अभी हैंडल पर लगाया हुआ है, हर जगह एक्सेस हो जाता है। दोस्तों अभी नेचीपुर पहुँचने वाले हम लोग, नेचीपुर से हम लोग राइट टर्न लेंगे टॉन्ग के लिए, लेफ्ट टर्न आपका तेजपुर आसाम जाएगा।
आ गया दोस्तों नेतीपुर। दोस्तों नेतीपुर अभी यहाँ से चेपा टोल तेजपुर यहाँ से डिवाइड होता है। ये फोटो मारो भाई। दोस्तों अभी यहाँ से निकलते हैं, हम लोग इस तरफ जाना पड़ेगा, आप लोग बने रहिए मेरे साथ, आइए चलते हैं। बादल देखिए दोस्तों, बादल बादल बरसे बिजली। आज तो दोस्तों मौसम बहुत सुहाना है, बहुत मजा आ रहा है मेरे को तो। दोस्तों ये नेतीपुर टर्मिनल है, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। दोस्तों ये नेतीपुर टनल है आपका, यहाँ से ये टनल बनने के बाद में 8 से 10 किलोमीटर आप बोमडिला तवांग जाने से शॉर्ट पड़ता है, पहले 8 से 10 किलोमीटर लॉन्ग पड़ता था, अभी शॉर्ट हो गया दोस्तों। ये नेतीपुर टनल है, मिलते हैं दोस्तों फिर राइट पर, आप लोग बने रहिए मेरे से। दोस्तों ये नेतीपुर टनल है, पहले लॉन्ग होके घूम के जाना पड़ता था बोमडिला तवांग जाने से तेजपुर से आके, अभी थोड़ा शॉर्ट हो गया, 8 से 10 किलोमीटर लगभग शॉर्ट हो गया।